अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप सब ठीक होंगे। आप सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। और आज मैं बना रही हूँ चिकन स्टीम। उसके लिए हमने लिया है 170 ग्राम दही, यानी इतनी कटोरी दही की ले लें आप। उसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून काली मिर्च, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून गरम मसाला, 1 टेबलस्पून नमक, हाफ लेमन ले लिया हमने, और इसको अच्छी तरह इसके अंदर निचोड़ लेंगे। इस सब मसाले को हम मिक्स कर लेंगे। मसाले को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अभी मैंने 1 किलो चिकन लिया है और उसको इस तरह से कट लगा लिए हैं। अभी ये सारा मसाला हम चिकन को लगाएंगे। 1 किलो मैंने चिकन लिया था। ये रेसिपी बहुत ही इजी है, 5 मिनट में इसका मसाला तैयार होके लग जाता है, और इसको फिर बाद में बस मैरिनेट करना पड़ता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, चिकन को मैंने मसाला लगा लिया अच्छी तरह से। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। ये रेसिपी बहुत इजी है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। कम से कम आप इसको 9 घंटे के लिए मसाला लगा के रखें। इसको अफ्तारी में ज़रूर ट्राई करें। सहरी में इसको मसाला लगा दें और अफ्तारी में इसको ट्राई करें। अभी हम इसको मैरिनेट करके रख देंगे 9 घंटे के लिए। 9 घंटे हो गए हैं चिकन को हमने मैरिनेट करके रखा था। अभी हाफ ग्लास पानी लिया मैंने, उसको प्रेशर में डाला है और अभी हम इस चिकन को इसके अंदर डालेंगे। ये वाली साइड ऊपर रखनी है। सारे मसाले को जो इसमें बचेगा उसको ऊपर लगा लेंगे। फाइव मिनट हो गए, मैंने सीटी उठाई है। अभी हम इसकी साइड चेंज करेंगे। अब हम इसको 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे रखेंगे सीटी लगा के। 20 मिनट हो गए हैं, फ्लेम को हम बंद कर देंगे और सीटी लगा देंगे। प्रेशर को भी हम मज़ेदार सा स्टीम चिकन हमारा तैयार हो गया है। अभी हम इसे डिश आउट करके दिखाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, स्टीम हमारा तैयार। ये देखें कितनी अच्छी तरह चिकन गल गया है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।